अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मुशाहिद और मैं फाइनेंस के ऊपर वीडियो बनाता हूं। और आज की वीडियो पे हम फोकस करेंगे एक क्रेडिट कार्ड के ऊपर, जो कि बहुत ही एक यूनिक क्रेडिट कार्ड है फ़िलहाल इंडिया में, क्योंकि इसके अलावा कोई बैंकिंग इंस्टीट्यूशन ऐसे कार्ड आपको प्रोवाइड नहीं कर रही है फ़िलहाल। ये क्रेडिट कार्ड बहुत ही यूनिक है अपने आप में, और मुझे भी इसको देखकर बहुत ही हैरानी हुई जब मुझे ये पहली बार मिला है। मैं आपसे ये शेयर करने के लिए ये वीडियो बनाया हूँ, ताकि आप भी अगर आपका सिबिल स्कोर अच्छा है तो आप भी इसको ज़रूर ले सकते हैं। चलिए मैं आपको बताऊँगा इस कार्ड के फीचर्स, और मैं इस कार्ड के अनबॉक्सिंग आपके सामने करूँगा, और मैं आपको इसके फीचर्स भी बता दूंगा, और आप ये भी बता दूंगा कि अगर आप इसको ले सकते हैं या नहीं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये मुझे मिला है, कल मुझे शाम में आया था, डिलीवर्ड हुआ है। तो ये जो बॉक्स है, ये एक बहुत ही यूनिक बॉक्स में मुझे ये डिलीवर्ड हुआ है, और ये ब्लू डार्ट के द्वारा मुझे डिलीवर किया गया है बैंक के थ्रू। तो ये इंडसइंड बैंक का नेक्स्ट क्रेडिट कार्ड है, जो कि इंडिया में बहुत ही यूनिक क्रेडिट कार्ड है, जो कि अब तक कोई बैंक ऐसा कार्ड ऑफर नहीं कर रही है। ये समझ लीजिए ये सिंगल पीस है पूरे इंडिया में। तो मैं बहुत ही लकी हूँ कि मुझे ये कार्ड मिल गया है, और मैं आपके सामने इसे शेयर कर रहा हूँ। तो चलिए उसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। जैसे कि मेरे पास कार्ड आया था, तो मैं इसको खोल दिया था, लेकिन मैं उसको खोलकर उसके कार्ड को नहीं देखा, और मैं उसको ऐसे ही बंद कर दिया, ताकि मैं आप लोग के सामने इसको खोल सकूं, और मैं ज़रूर इसको दिखाना चाहूँगा कि ये कार्ड कैसा दिखता है और ये कैसे काम करता है और इसके फीचर्स क्या हैं। तो चलिए हम इसको स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। तो मैं यहाँ से कार्ड को खोल लेता हूँ। ये देखिए दोस्तों, मेरा नाम यहाँ पे लिखा हुआ है, और यहाँ पे मेरा एड्रेस दिया हुआ है, ठीक है, और मेरा फ़ोन नंबर भी है। हम इसको खोलेंगे, ये पूरा पैक्ड है जैसे कि आप देख सकते हैं। ये कुछ लेटर है जो बैंक की तरफ से आया है। मैं इसको आपको नहीं दिखा पाऊँगा, क्योंकि इसमें मेरी लिमिट दी गई है, और बहुत सारी डिटेल्स है कॉन्फिडेंशियली जो मैं दिखा नहीं पाऊँगा, लेकिन यहाँ पे कार्ड है जो मैं आपको ज़रूर दिखाना चाहूँगा, और ये बहुत ही यूनिक कार्ड है। इसको मैं साइड में रख देता हूँ, कार्ड को भी साइड में रख देता हूँ। यहाँ पे कुछ लीफलेट्स है जो यहाँ पे लिखा हुआ है, नेक्स्ट इज़ हेयर। तो आप देख सकते हैं, नेक्स्ट इज़ हेयर, ये है उसकी बुकलेट, इंडसइंड बैंक नेक्स्ट क्रेडिट कार्ड कार्ड होल्डर्स एग्रीमेंट। यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे बैंक का बहुत सारा टर्म्स एंड कंडीशंस रहता है, लॉस्ट हो जाएगा तो क्या कंडीशन है, कितना फ्रॉड कवर रहता है इसमें, यही सब दिया हुआ है। ये इसको आपको उतनी ज़्यादा आपको जानने की ज़रूरत है, लेकिन आप उतना डिटेल में नहीं भी पढ़ेंगे तो चलेगा। आपको बेसिक डिटेल्स जानने की ज़रूरत होती है कार्ड की, ताकि आप उसको सही तरीके से यूज़ कर पाएँ। ये कुछ ऐसे पैम्पलेट्स हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं, द न्यू वे टू पे, वेलकम अबॉर्ड, गेट सेट टू टेक योर बैंकिंग टू द नेक्स्ट लेवल ऑफ कन्वीनियंस विथ योर इंडसइंड बैंक नेक्स्ट क्रेडिट कार्ड। इट्स अ वन ऑफ अ काइंड इंटरएक्टिव कार्ड दैट ऑफर्स यू एब्सोल्यूट फ्लेक्सिबिलिटी। जैसे कि आप देख सकते हैं, व्हेन मेकिंग पेमेंट्स एक्सपीरियंस द न्यू वे टू पे एज यू कैन यूज द क्रेडिट रिवॉर्ड्स ऑफ EMI ऑप्शन वाइल परचेजिंग योर फेवरेट आइटम एट द स्टोर। सो गो ऑन एक्सपीरियंस अ कार्ड That understand all your needs। यहाँ पे कुछ और instructions भी दिए हुए हैं।
हाउ टू यूज़ योर नेक्स्ट क्रेडिट कार्ड एट पॉइंट ऑफ सेल, ये जब आपके पास कार्ड आएगा तो आप डिटेल में इसको पढ़ सकते हैं बैठ कर। ठीक है, अभी मैं आपको और देरी नहीं करूँगा, मैं आपको कार्ड दिखाता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे कुछ और डॉक्यूमेंट्स है, एक बार मैं देख लेता हूँ ये क्या है, फिर मैं आपको कार्ड दिखा दूँगा। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टर्म्स एंड कंडीशन है, इसमें चार्जेस वगैरह सब मेंशनड है, आप एक बार इसको ज़रूर पढ़िएगा, ये पढ़ना बहुत ज़रूरी है क्योंकि कुछ चार्जेस आपको एक्स्ट्रा लग जाएगा, तो आपको यहाँ से वेरीफाई कर सकते हैं। इसको मैं साइड कर देता हूँ, और ये मेरी कार्ड डिटेल्स है, ये मैं आपको नहीं दिखा पाऊँगा, लेकिन मैं इतना आपको बता सकता हूँ जो बैंक ने मुझे क्रेडिट लिमिट ऑफ़र की है ये क्रेडिट लिमिट आप देख सकते हैं 85,000 इज़ माई कार्ड लिमिट एंड कैश लिमिट इज़ 17,000। सो यूजुअली हम कैश नहीं निकालते हैं क्रेडिट कार्ड से, बिकॉज इसमें बहुत ज़्यादा हेफ्टी चार्जेस आपको पे करना पड़ता है, 2.5% ऑफ द अमाउंट, और उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट भी चार्ज हो जाता है। सो हम इसको साइड में रख देते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि कार्ड कैसा दिखता है। इसको ये साइड कर देते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, आपको नेक्स्ट क्रेडिट कार्ड इंडसइंड बैंक की तरफ से। मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो कार्ड है, मुझे मैं ऑलरेडी इंडसइंड बैंक का ऑरा क्रेडिट, ऑरा एच क्रेडिट कार्ड यूज़ कर रहा था, और उस कार्ड को बैंक ने मेरे लिए अपग्रेड किया है, और इस कार्ड की जो वन टाइम पेमेंट है वो 5,000 रुपीज़ है। इसलिए 5,000 है क्योंकि ये 5,000 बैंक आपसे ज़रूर लेगी, और 18% इसमें GST भी लगता है, लेकिन वो आपको सिर्फ GST का ही पैसा लगेगा, क्योंकि 5,000 जो आप पे करेंगे बैंक को ये कार्ड के ज्वाइनिंग के लिए, तो वो आपको इन द फॉर्म ऑफ वाउचर आप सेलेक्ट कर सकते हैं, अमेज़ॉन की वाउचर, फ्लिपकार्ट की वाउचर, बहुत सारे ऑनलाइन वेबसाइट्स, पॉपुलर वेबसाइट्स के वाउचर आपको मिल जाएंगे। इस जब भी आप पे करिएगा तो आपको मिल जाएगा, तो आप 5,000 आपको वापस मिल जा रहा है इन द फॉर्म ऑफ वाउचर। आप तो बिल पेमेंट करना ही होता है, तो सबसे बेहतर है कि आप अमेज़ॉन पे का वाउचर ले लें, अगर आप बहुत अमेज़ॉन पे यूज़ करते हैं। अगर आप पेटीएम यूज़ करते हैं या आप कुछ अलग कुछ बिग बास्केट यूज़ करते हैं तो आप वो भी ले सकते हैं। तो वो ऑप्शन आपको तब आएगा जब आपके पास कार्ड पहुँच जाता है। तो इसमें क्या क्या ऑप्शन है मैं आपको एक बार कंफर्म कर दूंगा नेक्स्ट वीडियो पर। मैंने चेक नहीं किया है फ़िलहाल क्योंकि मैं बहुत बिज़ी था। तो यहाँ पे आप कार्ड में देखिए 3 बटन हैं और LED लाइट्स यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6 LED लाइट्स लगे हुए हैं यहाँ पे। मान लीजिए मुझे क्रेडिट का लिमिट यूज़ करना है शॉपिंग के लिए, तो मैं इस क्रेडिट लिमिट को एक बार प्रेस करूँगा। क्या आप देख सकते हैं यहाँ पर रेड लाइट जल गया है, इसके मतलब आपका क्रेडिट लिमिट अब यूज़ होगा। तो जो भी लिमिट है वो यहाँ पे यूज़ होगा। अभी आप इसको बंद कर दिए, फिर आपने जो यूज़ कर लिया आप बंद कर दिए। अब आइए रिवॉर्ड्स। आपको हर क्रेडिट कार्ड के हर फीचर एक फ़ीचर है। ज़्यादातर क्रेडिट कार्ड में आपको रिवॉर्ड पॉइंट तो मिलता ही है, आप सबको पता होगा। तो यहाँ पे मेरा नाम भी लिखा हुआ है, देख लीजिए। तो इस क्रेडिट कार्ड में आपको फ्यूल सरचार्ज वेवर मिलता है 1% का, मिनिमम ट्रांजैक्शन होना चाहिए 400, और आपको 1% फ्यूल सरचार्ज वेवर मिलता है, और 150 रुपीज़ अगर आप स्पेंड करते हैं तो उसमें एक रिवॉर्ड पॉइंट मिलता है। तो मेरा जो पहले वाला कार्ड था उसमें 0.50 पैसा मुझे रिवॉर्ड मिलता था, जो कि मुझे पता भी नहीं था, बैंक ने मुझे बताया। तो मैं इंडसइंड का क्रेडिट कार्ड उतना यूज़ नहीं करता था, तो मुझे उतना पता नहीं था, लेकिन मैं यूजुअली HDFC यूज़ करता हूँ और अमेज़ॉन पे का, ICICI कार्ड का यूज़ करता हूँ, जो कि वो भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में उस कार्ड की बेनिफिट बता दूंगा। लेकिन ये कार्ड भी बहुत सारी आपको एडवांटेज देती है।
मैं जैसे कि मैं आपको बता दूं कि इसमें मूवी टिकट अगर आप बुक करते हैं तो एक में एक मूवी टिकट फ्री रहती है, और आपको ग्रॉसरी शॉपिंग्स में भी आपको डिस्काउंट मिलता है। आप पूरे डिटेल टर्म्स एंड कंडीशन मैं आपको बता दूंगा, ठीक है? तो एक और यहाँ पे देखिए, अगर आपको रिवॉर्ड पॉइंट आपका क्रेडिट कार्ड में अक्रूड हुआ है, यानी कि आपने शॉपिंग किया है और आपको रिवॉर्ड पॉइंट मिला है, तो आपको इस रिवॉर्ड पॉइंट को जैसे यूज़ करना है। तो दूसरे कार्ड जो हम यूज़ करते हैं उसके रिवॉर्ड पॉइंट आपको ऑनलाइन वाउचर खरीदना होता है या फिर कोई सामान खरीदिएगा तो आपको उस पोर्टल में बहुत ज़्यादा महंगा पड़ जाता है, क्योंकि रिवॉर्ड पॉइंट का वैल्यू बहुत कम होता है क्रेडिट कार्ड में। लेकिन यहाँ पे आप रिवॉर्ड पॉइंट जितना भी रहेगा ना आपका, आप उसको डायरेक्टली पे कर सकते हैं। मान लीजिए आपके अकाउंट में 500 रिवॉर्ड पॉइंट्स हैं, तो पर रिवॉर्ड पॉइंट 1 रुपीज़ है इस कार्ड के लिए, तो आप उसको डायरेक्टली यहाँ पे रिवॉर्ड ब्लू रिवॉर्ड क्लिक बटन सेलेक्ट करिएगा तो ब्लू कलर चलेगा, ठीक है? तो आप इसको रिवॉर्ड करके आप इसको पे कर दिए, उसके बाद ये ऐसे ब्लिंक करेगा जब तक आप बंद नहीं करेंगे। पेमेंट हो जाने के बाद आप ज़रूर इसको ऑफ़ कर दीजिएगा, ये ऑफ़ हो गया। अभी यहाँ पे EMI ऑप्शन है, तो EMI ऑप्शन की जगह में आप देख सकते हैं 12 मंथ्स का है मिनिमम, 6 6 मंथ्स का मिनिमम है, 12 मंथ्स है, 18 मंथ्स है, 24 मंथ्स है। तो यहाँ पे आप सेलेक्ट करिएगा आपको EMI, मान लीजिए कि आप कैश में नहीं लेना चाहते हैं ऑर्डर को, तो आप EMI सेलेक्ट करते हैं। तो हमें क्या करना पड़ता है, हमें नॉर्मल कार्ड्स में बैंक को कॉल करना पड़ता है कि भाई मेरा EMI करवा दो, मैं पूरा पे नहीं करूँगा, मेरा इतना मंथ का EMI होगा, तब जाके आपका EMI प्रोसेस होता है। और अभी ज़्यादातर बैंक क्या कर रहे हैं, वो आपको ऐप के द्वारा उसमें आपको EMI में कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन इसके लिए आप डायरेक्ट ही EMI पे जब भी क्लिक करेंगे और आप पे करेंगे तो वो मिनिमम अमाउंट EMI का होता है 2500 से लेके 3000 तक। तो इस कार्ड में मिनिमम जो है आपको 3000 का ट्रांजैक्शन होगा, तो आपको EMI में अगर आप क्लिक करिएगा तो आपको 6 मंथ्स का EMI हो जाएगा। अगर आपको 6 मंथ्स नहीं करवाना है, एक और बार प्रेस करिएगा तो 12 मंथ्स में आ जाएगा। अगर 12 मंथ्स भी नहीं है, आपको 18 मंथ्स में और टाइम चाहिए, तो आप 18 मंथ्स में भी जा सकते हैं। 18 मंथ्स अगर नहीं चाहिए, एक और बार क्लिक करिएगा तो 24 मंथ्स तक आप कन्वर्ट करवा सकते हैं। इससे ज़्यादा अगर आपको करवाना हो तो आपको बैंक को कांटेक्ट करना होगा, तो आप उससे कर पाएंगे। तो ये बहुत ही यूनिक फीचर है, मैं देख पा रहा हूँ कि क्योंकि ये आपको अगर आप किसी को दिखाएंगे तो वो भी वो बोलिएगा बोलेंगे तो वो भी यही सोचेगा कि ये ऐसे कार्ड तो किसी के पास नहीं है, मैंने पहली बार देखा है। तो ये बहुत ही यूनिक कार्ड है और इसके बेनिफिट्स भी बहुत है। आपके डिटेल बेनिफिट्स के लिए आप इंडसइंड बैंक का मैं नेक्स्ट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, आप वहां से पूरी जानकारी ले पाएंगे। और क्योंकि मुझे ये अपग्रेड अपग्रेड के तौर पे मिला है, क्योंकि ये कार्ड मुझे अपग्रेड अपग्रेड के तौर पे मिला है, तो मैं इसको मेरा मेरा जो लिमिट है ना, वो लिमिट बिल्कुल ही सेम है। जो उस कार्ड में लिमिट था 85,000 का, वो इस कार्ड में भी वही लिमिट है। इसमें बैंक ने मेरे लिए लिमिट नहीं बढ़ाया है, लेकिन मैंने रिक्वेस्ट किया था बैंक से कि आप एक बार मेरा लिमिट बढ़ा दें, लेकिन उन्होंने कहा है कि आप जैसे ट्रांजैक्शन करेंगे आपका लिमिट उस तरीके से बढ़ जाएगा। तो ठीक है, मैंने एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि मैंने कार्ड इसलिए लिया क्योंकि इसके फीचर्स जो हैं काफ़ी ही यूनिक हैं। और जैसे कि मैंने आपको दिखाया कि आपने देखा कि आप कितनी कन्वीनियंटली इस कार्ड को EMI में ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, आप रिवॉर्ड पॉइंट से पे कर सकते हैं और अपने क्रेडिट लिमिट से भी पे कर सकते हैं। सो आपको डिटेल इसकी इन्फॉर्मेशन, आप कैसे अप्लाई करेंगे और कहाँ पर जाना होगा, ये वेबसाइट का लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन पे, आप इसको जाकर वहाँ से ज़रूर देख लें, समझ लें। और अगर आपके लिए ये आपके लिए अप्रूव एलिजिबल है तो आप इसको ज़रूर अप्लाई करें। आप ये मत देखिए कि आपको 5900 पे करना होगा विद GST, तो
तो 5000 प्लस 900 GST इज़ द प्राइस। सो आप प्लीज़ अगर आपके पास ऑप्शन है, आप एलिजिबल हैं, आपका क्रेडिट स्कोर बहुत अच्छा है, तो प्लीज़ आप इसको, इस क्रेडिट कार्ड को ले सकते हैं और आप इसके भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं। देखिए, क्रेडिट कार्ड ऐसा चीज़ है कि अगर आप सही तरीके से यूज़ करना जानते हो तो आप उसके साथ खेल सकते हो। तो मैं नेगेटिव वे में नहीं कह रहा हूँ, मेरी बात को नेगेटिव वे में नहीं लीजिएगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप क्रेडिट कार्ड मिल गया है, आपको लिमिट है आपके पास, आप कुछ भी कर सकते हैं। बैंक आपको ज़रूर आपके पीछे पड़ जाएगी अगर आपने टाइम पे पेमेंट नहीं किया। तो आप कार्ड लीजिए, आपके पास अच्छी लिमिट है, आप ज़रूर उसको सही तरीके से यूज़ करें, अदरवाइज़ आप बुरी तरीके से फंस सकते हैं और मैं ये बिल्कुल नहीं चाहूँगा। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, और आगे की वीडियोस में भी मैं दूसरे क्रेडिट कार्ड की जानकारी आपको देता रहूँगा और प्रोसेस भी बता दूँगा कि आप इसको कैसे अप्लाई कर सकते हैं, आपकी एलिजिबिलिटी, आप एलिजिबिलिटी क्या होगी उसके लिए, आपके इनकम डॉक्यूमेंट्स क्या लगेंगे। इसके लिए तो मुझे कोई इनकम डॉक्यूमेंट्स नहीं लगा, क्योंकि ये एक अपग्रेड वाला कार्ड है, तो मेरा ऑलरेडी इंडसइंड का ऑरा क्रेडिट कार्ड मैं यूज़ कर रहा था, तो उसमें मेरा ज़्यादा ट्रांजेक्शन नहीं था, लेकिन बैंक ने मुझे ये कार्ड ऑफर किया है लाइफ टाइम फ्री, सिर्फ एक बार मुझे 5000 पे 900 पे करना है, जो कि 5000 मुझे वापस मिल जाएगा इन द फॉर्म ऑफ वाउचर। सो मैं रिडीम वाउचर मैं यूज़ कर लूँगा और 5000 का मुझे काम आ जाएगा, और मैं मुझे सिर्फ 900 लग रहा है इतनी यूनिक कार्ड लेने के लिए। तो आपसे मैं, अगर आप सोच रहे हैं कि आपको 5000 पे करना होगा और ना साथ में GST 900 पे करना होगा, तो आप सिर्फ GST को लेकर समझिए, क्योंकि 5000 आपको वाउचर में मिल जाएगा। सो अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और जान सकते हैं, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा। और आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और अपने कलीग के साथ। तो चलिए, आज की वीडियो यहीं पर एंड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।